गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूँ रितीश और आज हम लोग 7 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 7 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही 7 दिसंबर से झारखंड से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं 7 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब कृषि शिक्षा दिवस मनाया गया? तो कृषि शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया है, जिसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया गया। हर साल 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी जयंती पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। किनकी जयंती पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने क्या है, तो भारत के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग जारी की है। ठीक है, अब देखिए रैंकिंग जारी की है तो पहले, दूसरे और तीसरे में कौन से यूनिवर्सिटी, इन तीनों की रैंक क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इन तीनों की रैंक क्या है। तो इन्होंने जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग जारी की है। किसने? तो ICAR ने। तो पहले रैंकिंग पर कौन है? तो पहले नंबर पर हरियाणा के करनाल में स्थित है राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान। ये जो है पहले नंबर पर है, यानी हरियाणा के करनाल में स्थित है ये राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान। दूसरे नंबर पर कौन स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये तीनों रैंकिंग 1, 2 और 3 में है। कौन कौन है पहले एक बार फिर से जान लेते हैं। पहले नंबर पर है हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान, दूसरे नंबर पर है दिल्ली में स्थित भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश की बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये तीनों है पहले, दूसरे और तीसरे रैंकिंग पर। ठीक है, इसको जारी किया है ICAR ने। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हर साल 3 दिसंबर को मनाई जाती है। तो 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे यानी कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही में इसे ICAR, तो ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं? तो राज्य के कौन से जिलों में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुमला। हाल ही में गुमला जिलों में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में ये क्वेश्चन देखा था कि गुमला जिले में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया था। प्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ ही उन पक्षियों की सुरक्षा के लिए वहां पे घोंसले बनाए जा रहे हैं। ये घोंसले टेम्पररी घोंसले होंगे, यानी परमानेंट घोंसले नहीं होंगे, ये टेम्पररी घोंसले होंगे जो वन विभाग की ओर से बनाए जा रहे हैं उन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे बहुत से पक्षी के प्रजाति हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं और बहुत ही कम बचे हैं, उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पे घोंसले बनाए जा रहे हैं अब गुमला। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्य के गुमला जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं। गुमला जिले में गुमला के जंगल और दलदली क्षेत्रों में हर साल ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। ठीक है, साथ ही में और क्या,
यहाँ प्रवासी पक्षी लगभग 4 महीनों तक रहती है। ठीक है, वन विभाग इनकी सुरक्षा के लिए कृत्रिम घोंसले बनाने का प्रयास कर रहा है, यानी टेम्पररी जो घोंसले होते हैं उनका निर्माण वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। अब जो टारगेट है वो 70 टेम्पररी घोंसले बनाने का टारगेट वन विभाग की ओर से लिया गया है। अब देखिए कुछ विशेष पक्षी है जो मतलब गुमला के जंगलों में पाए जाते हैं, मतलब ये ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी है जो गुमला के जिले में आए हुए हैं। कौन से? रेड भेटेंड, बुलबुल, पाइन मैना, ब्लैक ड्रैगो, ये जो है कुछ विशेष पक्षी है, मतलब बहुत ही लुप्त प्रजाति के पक्षी है जो गुमला जिलों में जिनका आगमन हो चुका है। तो इन्हीं की सुरक्षा के लिए गुमला में क्या बनाया जा रहा है? घोंसले बनाए जा रहे हैं। अब गुमला, तो देखिए गुमला ये है गुमला जिले के जंगल और इन्हीं में बहुत ही विलुप्त जाति के प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रवेश किए हैं, यहीं पे घोंसले का निर्माण वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। अब गुमला, तो ये है मैप में गुमला। गुमला के फॉर्मेशन की बात करें तो गुमला का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1983 में गुमला का फॉर्मेशन किया गया था। साथ ही में गुमला में ब्लॉक की बात करें तो गुमला में टोटल 12 ब्लॉक है। साथ ही में और क्या, तो गुमला कौन से डिवीजन में यानी कौन से प्रमंडल में आता है? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में गुमला आता है। गुमला के फॉर्मेशन की बात करें तो रांची को डिवाइड करके गुमला जिले का निर्माण 1983 यानी 1983 में किया गया था। गुमला अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो गुमला अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। किसके साथ? तो गुमला अपनी बाउंड्री को छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। साथ ही में झारखंड के कितने जिलों के साथ? झारखंड के 5 जिलों के साथ गुमला अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 5 जिले कौन कौन से? तो लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा, इन्हीं 5 जिलों के साथ गुमला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब से अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से राज्य में नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए झारखंड की राजधानी रांची में 15 से 17 दिसंबर तक पहली बार अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार अंडर 15, आप इसे याद रखिए, ये झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडर 15 पहली बार आयोजन किया जा रहा है, कौन सा? तो नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप। कब आयोजन किया जाएगा इसका? तो 15 से 17 दिसंबर तक राजधानी रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर में 870 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही में झारखंड के 30 पहलवान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। झारखंड से 30 खिलाड़ी और पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश से 870 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही में 172 कोच भी इसमें शामिल रहेंगे। किसमें? तो अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में। कहां पे आयोजित किया जाएगा? ये राजधानी रांची में आयोजित किया जाएगा और 15 से 17 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। अब रांची, तो ये है मैप में रांची। रांची की फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। साथ ही में रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो झारखंड के 9 जिलों के साथ। कौन कौन से 9 जिले? तो ये है रामगढ़, ये हजारीबाग, ये चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड की क्या है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो झारखंड की उपराजधानी है दुमका। दुमका कहाँ है मैप में? तो यह है मैप में दुमका। साथ ही में झारखंड की राजधानी रांची को क्या कहते हैं? तो झारखंड की शिमला किसे कहते हैं? रांची को। साथ ही में झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल किसे कहा जाता है? रांची को। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने पाए जाते हैं। 3 झरने कौन कौन से? हुंडरू, दशम और जोना, ये 3 झरने हैं रांची में पाए जाते हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब नौसेना दिवस मनाया गया? तो नौसेना दिवस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस साल भी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हर साल 4 दिसंबर को नौसेना यानी इंडियन नेवी डे मनाया जाता है और इस साल भी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के अंडर 13 अंडर में झारखंड के कितने व्यक्ति शामिल है, यानी फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है 30 लोगों की जो अंडर 13 है, इसमें झारखंड के दो व्यक्ति शामिल है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के दो व्यक्ति शामिल है और फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में झारखंड के दो व्यक्ति। चलिए देखते हैं कौन कौन से ये दो व्यक्ति है और किस लिए ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 जारी किया है, फोर्ब्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए, हाल ही में फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 की एक लिस्ट जारी की है। ये 30 अंडर 30 क्या है, तो इसमें 30 साल से कम उम्र के 30 युवा को चिन्हित किया जाता है, यानी 30 साल के कम उम्र के 30 युवा की एक लिस्ट निकाली जाती है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो। ठीक है, इसमें झारखंड की राजधानी रांची के दो युवा शामिल है, कौन कौन, सृजन और सीड। सृजन और सीड इस फोर्ब्स के लिस्ट में शामिल है, झारखंड की राजधानी के दोनों रहने वाले हैं और दोनों फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल है। फोर्ब्स क्या है, तो देखिए फोर्ब्स क्या करती है, एक हर किसी चीज के लिए लिस्ट जारी करती है, यानी दुनिया के बिलियनियर कौन है, दुनिया के मिलियनियर कौन है, दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कौन है, दुनिया के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कौन है, इन सब चीजों के बारे में फोर्ब्स क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है। तो इसी चीज में अभी 30 अंडर 30 ये एक लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने। इन्होंने 30 साल से कम उम्र के 30 ऐसे लोगों को चुना है जो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम करने के साथ में उनको अपने लिस्ट में जगह मिली है। तो इसमें झारखंड की राजधानी रांची के दो व्यक्ति सृजन और सीड को शामिल किया है फोर्ब्स ने। इस तरह आप देख सकते हैं फोर्ब्स क्या करती है, अलग अलग लिस्ट जारी करती है। ठीक है, हर चीज का आपको फोर्ब्स का अलग अलग लिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कहां पर आयोजित सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी में झारखंड विजेता बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता, यानी आर्चरी प्रतियोगिता, इसमें हमारा झारखंड विजेते बन गया, यानी विनर बन गया। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में परमवीर अल्बर्ट एक्का के कितनेवीं शहादत दिवस मनाया गई है, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का के कितनेवीं शहादत दिवस मनाई गई है, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, साथ ही में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में लोग डिटेल में आंसर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय।